तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया औपचारिक तौर पर कि राज्यपाल को इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और ये कहा कि हमसे गलती हुई या नहीं हुई अजीत पवार से समर्थन लेकर, उसका फैसला हम बाद में करेंगे। लेकिन 78 घंटे के बाद अब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है। रातों रात जो बीजेपी ने खेल खेला था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, वो खेल 3 दिन महज चल पाया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा है। बहुमत साबित करने का वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि कल शाम 5 बजे तक आप बहुमत साबित कीजिए, लेकिन फडणवीस ने यह स्वीकार किया कि हमारे पास बहुमत नहीं है क्योंकि अजीत पवार भी हमारे साथ नहीं रहे। निशाना जरूर उन्होंने साधा विचारधारा को लेकर एनसीपी शिवसेना कांग्रेस पर कि भला ये 3 पहियों की सरकार कैसे चलेगी और कितने दिन चल पाएगी, लेकिन एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद क्या उनको ये अधिकार बचता है कि वो विचारधारा के मामले पर दूसरी पार्टियों को घेरे, ये सवाल भी उनसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि आप विपक्ष में बैठेंगे। बिल्कुल, अब विपक्ष में बैठेंगे। अपने 105 विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया है इस्तीफा, सीधे राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा उन्हें सौंप देंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक पर आप देख रहे हैं विस्तार से, उन्होंने इस आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बात कही। उन्होंने कहा है कि 3 पार्टियों वाली यानी कि एनसीपी शिवसेना कांग्रेस की ये 3 पहियों वाली सरकार कैसे चलेगी, हम नई सरकार को काम करना सिखाएंगे महाराष्ट्र में। अजित पवार के सवाल पर जब आज तक ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे घोटाले के दाग जिसके ऊपर लगे हो और चक्की पीसिंग वाला बयान आपने उनको लेकर दिया हो, ऐसे में उनके साथ डिप्टी सीएम और सीएम की शपथ आप कैसे ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा आगे इस बात पर हम मंथन करेंगे कि हमसे गलती हुई या फिर नहीं हुई। हमने 5 सालों तक बहुत मेहनत से काम किया, इसीलिए जनता ने हमें दोबारा चुना। जनादेश में महायुति में भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी। हमारा जो प्रतिशत रहा है जीत का वो 67 से 70% के बीच था, जबकि शिवसेना का सिर्फ 44% ही रहा। इस तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि देखिए, सीधे रुक कर लेते हैं साहिल जोशी हमारे संवाददाता, जिन्होंने सवाल भी पूछा देवेंद्र फडणवीस से, सीधा वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब राजभवन पहुंच रहे हैं इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। बिल्कुल। देखिए, अभी सारे लोग यहाँ से राजभवन के लिए जा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस से हमने बार बार पूछने की कोशिश की कि क्या उनकी प्रतिमा मलिन हुई है, जिस तरीके से उन्होंने मांग उठाई थी बार बार कि अजीत पवार को जेल भेजकर ही वो नई सरकार में रुकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके साथ तो उन्होंने सरकार बना ली थी और इसीलिए हम लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछ रहे, देखिए आप क्या होगा, क्या अभी भी आपको लगता है कि आपकी प्रतिमा मलिन नहीं होगी? तो उनका कहना है कि हमने सरकार ही इसलिए बनाई ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा ना हो। वो ये आप कारण दे रहे हैं कि सरकार बनाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो, यह कारण था। यहाँ पर हर्षवर्धन पाटिल भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, हाल ही में बीजेपी में आए थे, अब लगता है कि अधर में अटक गए क्योंकि ना जीत कर आए और ना ही उनकी सरकार बन पाई है। खैर, मामला ये है, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अजीत पवार उनके पास आए, अजीत पवार ने कहा कि हम सरकार बनाते हैं, मेरे पास 54 विधायकों का समर्थन हासिल है, मैं लेजिस्लेटिव पार्टी एनसीपी के लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता हूं और यहां पर मैं सरकार बना सकता हूं आपके साथ, इसीलिए हमने उनके साथ सरकार बनाई। और एक दावा उन्होंने किया कि किसी भी तरीके से हमने उनको कोई भी वादा नहीं किया था, जांच उनके खिलाफ चल रही थी, हमने बिना कोई वादा किए उनके साथ में सरकार बनाई थी, क्योंकि तीनों पार्टियों की सरकार नहीं बन पा रही थी, इसीलिए अजीत पवार उनके पास आए थे और इसीलिए हमने उनके साथ सरकार बनाई। आज दोपहर को अजीत पवार उनके पास वापस गए और उनको कहा कि वो किसी निजी कारण के वजह से है, सुन लीजिएगा, अजीत पवार ने उनको कहा किसी निजी कारण के वजह से अब वो उनके साथ सरकार में नहीं रह सकते। और उसके बाद बीजेपी अब कह रही है कि चूंकि अजीत पवार अब उनके साथ में नहीं है, उनके पास नंबर नहीं है और इसीलिए अब हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये पूरी बात देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर कह रहे थे। कुल मिलाकर ये बात अब साफ हो गई है कि अब शाम को उद्धव ठाकरे को तीनों पार्टियों के विधायकों की बैठक में नेता चुना जाएगा। आज रात को ही वो गवर्नर के पास जाकर अपना दावा पेश करेंगे और उसके पास वहां जाकर वही करेंगे। नारायण राणे यहां पर है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा दो मिनट नारायण राणे जी, दादा
नारायण राणे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप शिवसेना कांग्रेस या एनसीपी से कोई विधायक हमारे पास ले आए, ऑपरेशन कमल उनके जरिए यहाँ पर लागू किया जा रहा था। नारायण राणे ने यहाँ पर कहा था कि बहुत सारे लोग बाजार में हैं, लेकिन आज नारायण राणे ने बात करने से इनकार कर दिया। हमने उनसे लगातार बात करने की कोशिश की, कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी नेता आज बात भी करेगा। यहाँ पर कुछ लोग